वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। रात्रि के 10 बज चुके हैं और आपकी डीएलएड की क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं और फिर देखते हैं हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्वालिटी को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा सेटिंग से, बिल्कुल मस्त दिखेगा। दोस्तों देखिए, बहुत से लोग गणित से बहुत डरते हैं, मैथ से। मैथ कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत ईजी होता है। ओके, इस क्लास को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। आज हम लोग डीएलएड के पाठ्यक्रम पर आधारित मैथ शुरू कर रहे हैं, जो कि आप लोग जानते हैं डीएलएड की परीक्षा में आपके पहले सेमेस्टर में जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो डीएलएड यानी कि पूर्व में इसको बीटीसी कहा जाता था, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट जाते हैं और जो पहले आर्ट साइड वगैरह लिए होते हैं यानी कि कला वगैरह सब्जेक्ट के होते हैं, उनको काफी दिक्कत होती है मैथ में। तो उन्हीं को दिक्कत को भगाने के लिए ये क्लास आज से शुरू होगी, आपकी पहली क्लास है आज। जो भी लोग आपके घर में हो डीएलएड में, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर से हो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर से, उनको बता दीजिए रात में 10 बजे से आपकी ऑनलाइन लाइव क्लास होती है। ऑनलाइन लाइव वो लोग रात 10 बजे से जुड़ सकते हैं। आज आपको वीडियो मिल रहा है, मात्र 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा। इसमें हम बहुत से टॉपिक क्लियर करेंगे, इंट्रोडक्शन के रूप में देखेंगे, पहली क्लास है। उसके बाद जब आपकी अगली क्लास होगी तब आप पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। 2 से 3 घंटे की लाइव क्लास होती है, जिसे आप अपने घर से कहीं से भी देख सकते हैं, ऑल वर्ल्ड में, पूरे विश्व से। ठीक ना, तो आगे बढ़ते हैं। मैथ की शुरुआत जो होती है दोस्तों, वो होती है अंक से। अंक मतलब जानते ना, जिसे डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। जैसे हमने लिख दिया यहां पर 7, 7 क्या है, एक डिजिट है, अंक है एक। और अगर हमने इसके साथ में 2 लगा दिया, ये हो गया 72, अब ये बन गया एक संख्या, है ना। तो मतलब समझिएगा दोनों का पूरा। आज के हमारे टॉपिक होंगे अंक, संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या। इन सभी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और फिर हम लोग शुरू करते हैं। और इतना ही नहीं, इस क्लास को खत्म होने के बाद अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी को मिल सके। देखिए अंक क्या होता है, अंक एक ऐसा चिन्ह या एक ऐसा सिंबल जिसका प्रयोग हम गणितीय ज्ञान को दिखाने के लिए करते हैं, उसे अंक कहा जाता है। ये हमारी खुद की परिभाषा है, कोई इसको गणितज्ञ ने नहीं दिया है। ठीक है, मतलब जैसे हमने लिख दिया 2, तो 2 क्या है, एक अंक है। मतलब इससे हम क्या प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास कोई भी वस्तु है जो 2 है। जैसे हमने लिखा है ये 2 मार्कर, है ना, तो 2 हमने लिख दिया, यानी कि ये प्रेजेंट करता है कि 2 मार्कर हमारे पास। ठीक, अगर हमने लिखा 3, इसका मतलब इससे ये फील होता है, आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारे पास कोई वस्तु 3 है। जैसे हमारे पास ये 3 मार्कर हो गया, है ना। और अगर हमने यहां पर लिख दिया 6, तो ये क्या प्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है कि कोई वस्तु है जो 6 है। जैसे हमारे पास ये 6 मार्कर है, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये हो गया एक अंक। अब इसे तो सभी लोग जानते हैं, अंकों की संख्या कितनी होती है, अंकों की संख्या टोटल 10 होती है। कैसे होती है, लिख लो भाई, 0 से लेकर 1, 2, 3, ऐसे फिर कहां 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप कहेंगे ये तो 9 ही हो रहा है, आप 10 क्यों बता रहे हैं। 10 होता है कैसे, ये 0 भी तो एक है ना, 0 को भी जोड़ेंगे तो 9 तो ये है, 1 से लेकर के 0 एक किला हुआ, कितना हुआ, 10 हुआ ना। इसीलिए इसे दशमलव संख्या पद्धति भी बोला जाता है। मतलब अगर हमने यहां लिखा 20, तो ये दशमलव संख्या पद्धति में है 20, दशमलव संख्या पद्धति में। अगर हमने यहां लिखा 37, तो ये दशमलव संख्या पद्धति में है। इसके अलावा एक होता है रोमन संख्या पद्धति, एक होता है बाइनरी संख्या पद्धति। मतलब समझ रहे ना, हम लोग यहां पर दशमलव संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, बाकी कोई पद्धति नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे अगर आपको ऐसे लिख के दिखा दें, आप लोग इसको बताइएगा ये क्या होता है, ये बाइनरी संख्या पद्धति है, जिसे द्विआधारी संख्या पद्धति बोला जाता है। और ये एक रोमन नंबर का सिस्टम होता है, जैसे हमने 4 लिख दिया, ये रोमन नंबर में है, समझ रहे ना।
ये अलग है, ये अलग और ये अलग, ठीक। अगर हम लिखा 10, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की बेस जो है 10, क्योंकि ये दशमलव संख्या पद्धति है। अगर हमने लिखा 17, तो इसको अगर आप ऐसे भी लिख दें 17 का बेस 10, तो कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये 17 ये दोनों में अंतर नहीं है, ये दशमलव संख्या पद्धति में ऐसे शो किया जाता है, लेकिन कभी भी बेस 10 नहीं दिखाया जाता। समझ गए ना? तो अंक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, अंकों की संख्या कुल 10 होती है, और अंक ऐसे चिन्ह होते हैं, ऐसे सिंबल होते हैं, जिससे हम लोग गणितीय ज्ञान को दिखाते हैं, शो करते हैं, ठीक है। दूसरा बहुत ही आसान है, नंबर यानी कि संख्या। संख्या क्या होती है? 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा है यहां पर 9, ये क्या है? एक अंक है, ये संख्या नहीं है। इसे अगर हम शुद्ध भाषा में बोलें तो ये अंक है, लेकिन संख्या कब बनेगी? इसके आगे हमने लिख दिया 1, ये हो गई एक संख्या। हमने लिखा था 9, इसके पीछे लिख दिया 3, ये हो गई एक संख्या। कैसे? 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। समझ गए ना? तो संख्या हो गया, इसमें हम लोग ज्यादा नहीं डिस्क्राइब करने वाले, छोटा छोटा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन अगर कहीं इसमें पूछा जाता है कि संख्या कितने प्रकार की होती है, और सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण प्राकृतिक, भाज्य अभाज्य, बहुत सी प्रकार की संख्याएं होती हैं, ठीक है, उसके सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इसमें संख्या में 2 अंक की संख्या या 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 1 से लेकर गिनती लिखना शुरू कर दो भाई, 1, 2, 3, 4, फिर डाट डाट 9, फिर 10, फिर 11, ऐसे जाएगा ना। तो अगर 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोले, तो जहां पर खत्म हो रहा है 1 अंक वही है, यानी कि 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। अब 2 अंक 11 के बाद 12, फिर 13, फिर 14, ऐसे जाएगा 99, फिर 100, ऐसे बढ़ेगा ना। अगर 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेंगे तो ये 99 होगा। यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, काफी कुछ। अगर ऐसे और आगे चलेंगे 101, फिर 102, फिर 103, ऐसे ऐसे जाएंगे तो 999, और फिर हो जाएगा 1000। यानी अगर 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो 999, 3 बार 999। यहां से आप एक बात समझ रहे होंगे, 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 2 बार 9, और 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9। यानी कि जितना अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाएगा उतना बार आप 9 लिख देंगे, बस यही आपका हो गया उत्तर। अगर 9 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए तो आप 9 को ही 9 बार लिख देंगे, ठीक है, समझ गए ना। अब बात करते हैं छोटी से छोटी संख्या की। देखिए, आपसे बहुत बार पूछा जाता है छोटी से छोटी संख्या पर आधारित सवाल। जैसे कहा जाए कि 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो छोटे से छोटा का मतलब ये होता है कहां से वो शुरू हो रहा है, मतलब 2 अंक कहां से शुरू होता है, जहां से वो शुरू होता है वही आपकी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो अगर हम ऐसे आगे चलें तो ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 आप देखते जाइए, तो आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आ रहा होगा, है ना, आ रहा है ना। जहां पर हमने 11 लिखा है ना, देखिए उसके जस्ट पहले 1 से लेकर 9 तक ये देखिए 1 अंक है ना बाबू, 1 अंक है ना, लेकिन जैसे 10 हुआ देखिए 2 अंक आ गया, यानी कि 2 अंक 10 से शुरू होता है, और 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन है? 10 है। फिर ये संख्या आगे जाएगी 12, फिर 13, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो 98, फिर 99, फिर 100, फिर 101, फिर 102, ऐसे बढ़ते जाएंगे ना। तो यहां तक तो देखिए 2 अंक है 99 तक, लेकिन जैसे 100 में पहुंचते हैं वैसे 3 अंक शुरू हो जाता है, यानी कि 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या 100 कौन होगा, 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या 100। समझ गए ना, सभी लोग को क्लियर हो रहा होगा ऐसी हमारी उम्मीद है। तो ये थी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं का कंसेप्ट। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है तो आप लोग बता देंगे जितना अंक की छोटी से छोटी संख्या बोलेंगे उतना में क्या करेंगे, 1 लिख के उससे 1 कम करके 0 लगाएंगे। अगर 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बोलेंगे तो 1 लिख के 4 बार 0 लगाएंगे,
ये पांच अंक की छोटी से छोटी संख्या हो गई, क्लियर। अगर दो अंक की छोटी से छोटी संख्या बोलेंगे तो दो अंक की छोटी छोटी संख्या के लिए एक लिख के एक जीरो लगाएंगे। अगर छह अंक की छोटी से छोटी संख्या बोलेंगे तो एक लिख के पांच जीरो लगाएंगे। ये हो गई छह अंक की छोटी से छोटी संख्या। अगर छह अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेंगे तो छह बार नौ लिख देंगे। देखिए बड़ी से बड़ी में जितना अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाएगा उतना बार नौ लिख देंगे बस, बाकी कुछ नहीं करना। अगर दो अंक की बोला गया तो दो बार नौ, सात अंक की तो सात बार नौ, लेकिन छोटी से छोटी में थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, उससे कम कर देते हैं बस, समझ गए ना। तो आगे देखिएगा, अब एक सवाल आप सभी के लिए, जल्दी से बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होगी। पहला ऑप्शन है वन लिख के दो बार जीरो, तीन बार दो बार, और ये तीन बार नौ, और ये जो है ना वो कितना है नौ नौ जीरो। जल्दी से कमेंट करें पहला सवाल। दूसरा सवाल आप सभी के लिए, ये कह रहा है कि चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होगी। जल्दी से बताएं, हमने बहुत गंदा गंदा लिखा है लेकिन समझ ले, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन पहला है आपके सामने जो वो लिख रहा है कि 100 है, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 9999, चौथा ऑप्शन है ना 999 तीन बार। इन सभी सवालों का जवाब दीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है मैथ को आसान बनाने के लिए, मैथ आसान है चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और भी लिंक दी गई है, पीबीआर स्टडी के चार यूट्यूब चैनल चलते हैं, उन सब को सब्सक्राइब कर लें। और अगर डेली क्लास चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9793488 और 448 इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें और क्लास को ज्वाइन करें, जिससे आपको रेगुलर सभी क्लास मिल सके, क्योंकि 1 फरवरी से आपकी क्लासें स्टार्ट हुई हैं, लेकिन आपको सभी क्लास नहीं मिल रही होंगी, क्योंकि भाई अपना थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है ना। इंडिया को कहते हैं ना कि जहां एक चल दिया वहीं सब चल दिया, लेकिन अगर आप कुछ अलग करके दिखाते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक ना। समझ रहे कि नहीं, आपने सुना होगा ना वो लाइनें जो मैं बोलता हूं आप लोगों को बार बार, और मैं बार बार बोलता हूं उन लाइनों को, आप लोग उनसे बहुत कुछ सीखते होंगे, है ना। वो कौन सी लाइनें थी, थोड़ा अलग करके दिखा, मतलब नामुमकिन से काम को तो मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, बस थोड़ा अलग चल के तो दिखा, बिल्कुल पहचान लेगा भाई, थोड़ा सा अलग करके दिखाओ ना। और हाँ, अगर आप हिंदी अंग्रेजी बाल विकास मनोविज्ञान पर्यावरण और सभी क्लास चाहते हैं तो पीबीआर स्टडी को अन अकेडमी पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और पीबीआर स्टडी के फेसबुक पेज को भी लाइक करें, जिससे कि आपको सभी क्लास की इंफॉर्मेशन अपडेट मिल सके, ठीक है ना। हमारी कोशिश रहेगी इस व्हाट्सएप नंबर को आप पीबीआर स्टडी नाम से अपने फोन में सेव कर लेंगे तो आप इसकी व्हाट्सएप की स्टेटस को चेक करते रहेंगे तो आपको सभी नए सिस्टम जो अपडेट होंगे आपको मिलते रहेंगे। आज की इस छोटी सी क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा, इन्हीं उम्मीदों के साथ कैसी लगी ये क्लास कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार दुबंसी फिर से मिलूंगा अगली क्लास के साथ। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत थैंक यू जो आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे। चलते चलते इस वीडियो को कम से कम 3 मित्रों में जरूर शेयर करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ जय हिंद जय भारत।